जब आए सामने नजरों के तुम मोहतरमा, होश हवास मेरे हो जाए गुम मोहतरमा, दुआएं करूं मैं सजदा करूं यही मैं कहूं। अस्सलाम वालेकुम केम छो सस्यकाल केरो आले कसगा नमस्ते केम वाला छो वेलकम टू बिग बॉस सीजन 15 वीकेंड का वार का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? उमर क्या तुम वाकई में गधे हो? प्रतीक क्या हो गया मेरा भाई आज? हमेशा तो कहते थे क्या कर लोगे क्या कर लोगे क्या कर लोगे, आज सामने खड़ा था। आज के एपिसोड को टाइटल में रखूंगा बुलिंग द बुली। वो कहते हैं ना स्कूल में वो बुली जो रहता है हर आदमी को इंस्टिगेट करता है, बोलता आके दिखाना मार के दिखाना ये करना वो करना, एंड जब उस बुली के सामने उसका जो प्रेजेंट है वो आकर खड़ा हो जाता है सामने, तब दैट बुली बिकम्स क्वाइट। आज जिस तरह से यहाँ पर करण कुंद्रा एंड तेजू ने द बुली प्रतीक द बुली को आकर एकदम उसका मुंह बंद कराया, वो इंसान जो हमेशा झगड़ता है, अरे 25 दिन से एक ही बात बोल रहा है, हाँ मुझे मारा बल का प्रयोग किया, मुझे मारा बल का प्रयोग कर, अबे बस कर दे यार, दिमाग का दही थक गया आदमी। आज करण कुंद्रा ने जो किया ना, देखो दो तीन चीजें है तो कुंद्रा ने गलत किया, लेकिन आज उसको जो कॉर्नर किया मुंह के सामने सामने आके खड़ा हो गया ना प्रतीक के, क्या करेगा, चल यहाँ खड़ा हूँ जो करना है कर, यही खड़ा हूँ जो करना है कर, यही खड़ा हूँ क्या कर लेगा तू, हाँ बोला चल बोला, और जैसे जाता है क्या कर क्या कर, अरे ये क्या स्टाइल है। करण कुंद्रा तेरे सामने खड़ा है तब तो तू कुछ करता नहीं है, जैसे वो गया वो अदनान को हटा के बोलो कर रहे, सामने खड़ा है तो करना, सामने जब खड़ा है तब कर। इसने खाली इतना बोला करण कुंद्रा ने कि आ गई देख तेरी निशान तेरी मम्मी है, हाँ उसको लेके इतना बड़ा मैटर बना दिया यहाँ पर प्रतीक सहजपाल ने, एंड जिस समय तेजू ने उसको कॉर्नर किया बोला क्यों प्रतीक, हाँ तुमको नहीं लगता मैं काम करती हूँ, बार बार क्यों प्रतीक तुमको नहीं लगता मैं काम करती हूँ, क्यों प्रतीक कुछ बोल क्यों नहीं रहे। आज ये दोनों ने जो किया ना वो बहुत सही था, ये दोनों कैसे दिख रहे एकदम, वो निशान भट्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने ठंडा सूंघ लिया किसी की, हाँ इतना गंदी शक्ल बना के बैठा था उधर, इतनी सड़ेली शक्ल बना के निशान भट्ट प्रतीक सहजपाल के सर पे घमंड चल चुका है। वहां पर आज पूरा का पूरा जो गेस्ट आए थे वहां पर ऐसा मुंह बना के बैठे हैं, फोम लगा दिया तो नाटक कर रहा है। इट्स अ फन शो मैन, इट्स अ फन शो, इंजॉय द शो। एंड जो हरकतें किए है आज ये कुंद्रा एंड प्रतीक ने गेस्ट के सामने, इट वॉज हाईली अनकॉल्ड फॉर। गाइस एक आदमी कब तक सुन के लेगा, हाँ डेली प्रतीक सहज पर वही राग आलाप रहा है, राग आलाप रहा है, बल का प्रयोग आज कुंद्रा ने बराबर से सुना दिया, एकदम उसका मुंह बंद कर दिया। थोड़ी उसमें अक्कल और शर्म बची होगी ना तो अगली बार उसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, हाँ उसका मुंह टच कर दिया उसका, पिछली बार तो समर स्लैम मार दिया था उसको, हाँ बस कर दो अभी अपना है ना प्रतीक को उंगली करना है ना बंद कर देना चाहिए, ये ठीक है वो स्वीट्स विला में ये सब ड्रामा वामा चलता है, बहुत लोग डिसअग्री कर रहे होंगे कह रहे होंगे अरे कुंद्रा का क्या बिहेवियर ऐसा, उसको बिहेव नहीं करना चाहिए था। एक हद होती है एक लिमिट होती है आदमी की सुनने की। नंबर वन, क्या उमर वाकई में गधा है? देखिए गाइस उमर एक ऐसा इंसान है जिसका दिल एकदम साफ है एंड करण कुंद्रा को बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो अगर करण कुंद्रा ने कोई भी कंटेक्स्ट में बोला है उमर को बुरा तो लगेगा ही लगेगा। यस बाद में करण कुंद्रा किस तरह से उमर को समझाता है ये डिपेंड करता है सारी चीजों में, एंड यहाँ पर जिस तरह से जॉन अब्राहम एंड दिव्या कुमार आई थी वो भी काफी अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग में, पास और फेल का टास्क, तो सारी सारी चीजें आज का एपिसोड ध्यान से देखना, ये मुझे बोलना बहुत ही जरूरी था कि स्टार्टिंग में एग्जैक्टली क्या लफड़ा हुआ बिटवीन करण कुंद्रा एंड प्रतीक सहजपाल। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, टॉप 5 निकलेंगे अगले 24 आवर्स में, कौन होगा पास कौन होगा फेल। तो अब गाइस एक बोर्ड लगाया है जहां पे आपका नाम लिखना है कौन पास होगा कौन फेल होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर जय आता है, जय कहता है पास है ना शम्मू होगी फेल सिम्बा होगा। अरे भाई खुद का नाम क्यों नहीं लिख रहा है, तू फेल हो चुका है शो में, इतना पैसा देके तुमको लेकर आए शो में क्या करने के लिए यहाँ पर, हाँ मोस्ट रिडिकुलस हाईली पेड कंटेस्टेंट एवर मैं कह सकता हूँ उन लोग को। सिम्बा आता है, सिम्बा कहता है पास राजीव होंगे क्योंकि वो फनी है एंड फेल है ना जय होंगे क्योंकि वो ना इधर के है ना उधर के। पहली बार सिम्बा ने कुछ सही बात बोला। शम्मू आती है, शम्मू कहती है कि सिम्बा फेल है, हाँ एंड कहती है कि सिम्बा और बोलो, शम्मू कहती है कि अदनान पास है, तो अदनान सबका फेवरेट बन चुका है यहाँ पर, काफी कॉमेडी भी करता है। नेहा आती है कैसी, ये कहती है कि राजीव जो है पास है निशांत फेल है, अभी निशांत फेल बोलकर
उसने निशांत के खेमे में अंगार लगा दिया। प्रतीक सहज पर निशांत वो दो प्राणी हैं जो अपने बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करते, अपने आप को हमेशा सही मानते हैं। इन द एंड ऑफ द डे उनकी तो होशियारी थी, निकल गई। वीआईपी बना के क्या मिला निशांत? रिश्ते तो तुम्हारे टूट गए, तुम्हारा दोस्त चला गया करण कुंद्रा, तुम तो सांप के सांप ही रह गए, तुम्हारे वीआईपी रूम खत्म। ये तुम्हारी होशियारी थी, बिग बॉस के मेकर्स ने 2 दिन भी चलने के लिए नहीं दिया यहाँ पर, फौरन गेम बंद कर दिया। कुंद्रा आता है, कहता है निशांत तूने यहाँ पर एक दोस्त खो दिया है, समझ में आ गया? यू हैव फेल्ड इन दिस शो, समझ में आ गया? एंड पास ऑब्वियसली तेजू है यहाँ पर। और जर्नलिस्ट लोग कौन थे रे भाई, नाम नहीं लूंगा, उसमें एक रिपोर्टर है वो बॉलीवुड रिव्यू करता है, उसको जिंदगी में नहीं मालूम हाँ कि बिग बॉस की चिड़िया का नाम है, बिग बॉस का बी क्या है, उसको वहां बिठा दिए जाकर। हाँ, को फ्रस्ट्रेटेड आंटीज हु आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड इन द हाउस, दे आर कमिंग एंड वेंटिंग आउट फ्रस्ट्रेशन ऑन द कंटेस्टेंट्स। ये क्यों करते हो रे तुम लोग आप यहाँ पे? हाँ उमर, तुम्हें कैसा लगा कि करण ने तुम्हें गधा बोला? इस पे रिएक्शन दीजिए। दिस मीडिया एंड इट्स पीपल, सीरियसली उंगली कॉन्फ्रेंस नाम रखना चाहिए इसका, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इतना प्रेसिंग कर रहे थे तुम लोग वहां पर जाकर। तेजू आती कहती कुंद्रा पास है, हाँ फेल सिम्बा है। मैं सिम्बा से यह पूछना चाहता हूँ कि भैया सिम्बा इतनी बेशर्मी से घर में रह क्यों रहे हो यार? अरे कोई दूसरा होता तो साले घर फान के निकल गया होता, इतना बेशरम आदमी हो तुम। हाँ अरे तुम कितना बेशरम है, कितना सुन के ले रहा है, कुछ कर ले भाई इससे अच्छा। कोटियन आता है कहता है कि उमर पास है। एब्सोल्युटली करेक्ट, उमर जितना अच्छा गेम खेल रहा है, मेरे को सुनने में आ रहा है जो टॉप 5 सेलेक्ट किए हैं उसमें उमर नहीं है, एंड जो बॉटम 6 है जो एलिमिनेट हो जाएंगे उसमें जर्नलिस्ट लोगों ने यहाँ पर उमर का नाम रखा है। तो अगर ऐसा हुआ कि उमर इस घर से आउट हो जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, बाहर कांड हो जाएगा, बाहर तमाशा होगा बहुत बड़ा। मैं बोल रहा हूँ ना, दिस विल नॉट बी गुड फॉर बिग बॉस एंड फॉर द यू नो एवरीथिंग एंड द गेम, क्योंकि इतने उमर ने फैंस बना लिए बाहर, सिर्फ उमर के ही नहीं असीम के भी फैंस है, एंड उमर हैज मेड अ लॉट ऑफ फैंस, दे आर गोइंग टू सिट इन प्रोटेस्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो अगर ये हो रहा है कि उमर को निकाल के टॉप 5 में वो निशांत को रखे है इन लोगों ने, एंड बाकी जितनी भी है, शम्मू है यहाँ पर, प्रतीक है, चलो शमिता प्रतीक जस्टिफाइड है, कुंद्रा एंड तेजू भी जस्टिफाइड है, उमर को निकालना इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एंड राजीव को इस मोमेंट पे निकालना इज एन एब्सोल्यूट ब्लंडरस डिसीजन बाय द चैनल। अगर ये होगा इट विल बी अ रबिश डिसीजन। उमर आके कहता है यहाँ पर के पास ऑब्वियसली करण है, मैंने सीखा है किस तरह से रिश्ते और गेम दोनों साथ में उनसे निभाना है, जय फेल है क्योंकि उनका गेम यहां से वहां घूम रहा है, कहीं जा नहीं रहा। फिर निशांत आता है, मेरे को एकदम डेंजर लगा, ऐसा मुंह बनाया, ऐसा ऐसे टट्टी सूंघ लिया, व्हाट इज दिस मैन, एटीट्यूड आ गया उस बंदे में, सीरियसली बोल रहा हूं। निशांत कहता है पास है ना प्रतीक होगा एंड फेल विशाल होगा। प्रतीक आता है कहता है पास निशांत होगा एंड फेल यहाँ पे कुंद्रा होगा, क्योंकि कुंद्रा अग्रेसिव है। अरे खत्म हो गई बात, वो बात खत्म हो गई, अभी क्या पूरा दिन बोलना है क्या बैठकर? कुंद्रा तो तेरे चक्कर में पड़ता भी नहीं है प्रतीक सहजपाल, वो अपना खुश है अपने तेजू के साथ। यू आर द वन हु पोक्स एंड इंस्टिगेट्स। एक टाइम प्रतीक की गेम बहुत अच्छी चल रही थी, ये कुंद्रा के पीछे पड़ रहा है, उससे रिएक्शन ले रहा है, काय को रिएक्शन चाहिए तुमको भाई? हाँ चलो अग्रेसिव है ठीक है, आगे बढ़ो ना, मत बात करो उससे, वही टॉपिक अग्रेसिव 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 मत सुना है इसने उसको एकदम। हाँ मुझे पता है मेरे बात से बहुत अग्री नहीं करेंगे, आई डोंट केयर शिट। अब गाइस यहाँ पे प्रतीक जो कहता है कुंद्रा अग्रेसिव है, फिर आते हैं यहाँ पे भारत भैया भारतीय हर्ष आते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि वाईकॉम को भाईकॉम 18 बना लो, हमारा नया टीवी शो आ रहा है, भारतीय का यूट्यूब चैनल आ रहा है। फिर सिंगम आते हैं यहाँ पर, वो अक्षय खन्ना की मिमिक्री करता है ना, वो काफी कॉमेडी लगा मेरे को। हाँ मुबीन नाम है उसका। भारतीय हर्ष अंदर जाते हैं, लेकिन भारती उसके बाद जो चीज करती है ना, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट सलमान खान। वो आती है यहाँ पर, सलमान भाई का हाथ चूमती है, अपने आंख से काजल निकाल कर उनको टीका लगाती है, गले लगती है, और इतनी दुआएं देके जाती है कि सलमान खान है ही ऐसा आदमी मेरा भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, पीपल हु हेट सलमान खान शुड गेट अ लाइफ, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन शुड गेट अ लाइफ। एंड यहाँ पे आकर सलमान खान के भारती ने डांस किया एंड शी वेंट इनसाइड। अब गाइस यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि अब इस सीजन में सिर्फ टॉप 5 लोग रहेंगे, बाकी के सारे लोग घर चले जाएंगे, एंड वो उनको नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे। सलमान खान बाय बोल के चले जाते हैं। विशाल बोलता है अरे बाहर मतलब इस घर के बाहर जाएंगे, और ये क्या भाई,
कोटियन तुम्हारे तो लग गए भाई। क्या क्या हुआ तुमने? कि राकेश ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। देखो गाइस, मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुंबई में क्या भट्टे, क्या बोमान, क्या क्या पटेल, ये सब एक बात करने का तरीका होता है। कि क्या बड़ा हाथ मारा है बड़ो, ठीक है। दिस इज वे पीपल टॉक ओवर एंड कोटियन जैसे आता है जहां से वहां पे नॉर्मल रहता है, नॉर्मल भाषा है। वो जर्नलिस्ट, हाँ आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, हाँ छोटे बाल वाली, शी क्रिएटेड अ फस आउट ऑफ नो वेयर मैन। नहीं इट्स नॉट कूल, नहीं इट्स नॉट कूल, नहीं इट्स नॉट कूल, साथ में शमिता भी, नॉट कूल नॉट कूल। अरे ठीक है यार, वो रोस्ट कर रहा है सबको, ठीक है। थोड़ा चीजें मजाक में लेना सीखो यहाँ पर, हाँ कुछ मजाक करते हो सीखो यहाँ पर। हाँ निशा कहता है घर के बाहर, मतलब ये बाहर गार्डन में बैठने का। सब लोग बोलते हैं घर के बाहर, गार्डन नहीं पूरा घर के बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। फिर जॉन इब्राहिम आते हैं, सलमान खान को 3 बार वेलकम करते हैं, प्लीज वेलकम जॉन इब्राहिम, प्लीज वेलकम जॉन इब्राहिम, क्योंकि जॉन का ट्रिपल रोल है सत्यमेव जयते 2 में। दोनों जॉन, दिव्या जी एंड यू नो सलमान भाई, ये सारे लोग लहंगा जो गाना है उस पर डांस करते हैं। एंड दिव्या कहती है कि मेरे साथ में आप फिल्म करना था ना, आप तो बोले साथ में फिल्म करूंगी यहाँ पर। सलमान खान बोलते साथ में तो आ रहा हूँ ना, वो तो यार ये तो अलग अलग फिल्म है यहाँ पर। सलमान खान बोलते जॉन डायलॉग बोल के मत बताओ तुम मुझे। जो जॉन बोलता है इतना मारूंगा तो अगले जन्म में ना माँ की कोख से निकलने के लायक रहेगा ना बाप की टोप से। सलमान खान बोलते हैं भाई ये डायलॉग बहुत बड़ा हिट हो चुका है। और तुम तो इतने बड़े खुद तोप हो जॉन, तीन तीन तोप है इस फिल्म में। 25 तारीख को आप सभी लोग सत्यमेव जयते 2 देखना, हाउ ग्रेशियस। और सलमान भाई टू प्रमोट जॉन फिल्म, एंड जॉन एंड सलमान भाई की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, आपस में गले भी मिले तो काफी फंटास्टिक था। अब भारती अंदर जाती है घर के अंदर, उनको नहीं पता था उनकी मजा जो है वो सजा बन जाएगी। पिज्जा रखा था, केक रखा था, ड्रिंक्स रखा था। हाँ भारती कहती मजा नहीं आ रहा है, हाँ बिग बॉस सीजन 15 में इतनी शांति क्यों है। जय तुम्हारी बेटी भी बोल रही है ये बिग बॉस नहीं बिग बोर है। और अदनान तुम तो लोखंड वाले की आंटी या चाची लग रही हो, नीचे से जाके सुनना कोई क्या बोल रहा है, डांस करके दिखाओ तुम। अदनान डांस भी करके दिखाता है। सिम्बा तुम बोर हो। और विशाल क्या बेटा तेको लगता है तू रणवीर सिंह दिखता है, तू रणवीर सिंह नहीं दिखता है यहाँ पर। उमर चिजल जॉलाइन बहुत खूबसूरत लगते हो। और तेजरन वाकई में आप दोनों दूसरे से प्यार करते हो? तो दोनों हाँ बोलते हैं, हम लोग प्यार करते हैं यहाँ पर। अब गाइज अदनान कहता है ये मुझे बोर करते हैं, ये दोनों 24 घंटे रोमांस करते हैं। हाँ उसमें सबसे बीच में कौन बैठा था पता है? मैडम अगली बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ऐसा बैठा था पता है कौन? गेस करो, 2 सेकंड देता हूँ। विशाल कोटियन। विशाल कोटियन को गेस्ट फोबिया है, पता है ना पिछले गेस्ट लोगों ने कैसा ट्रीटमेंट किया था उसने। आज भी वो मूड में था कि इनकी बजाऊंगा भारतीय उसके पति की, लेकिन उसके पहले ही कुंद्रा इन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। एक आइसक्रीम चैलेंज होता है, एकदम बेकार रहता है। अब थप्पड़ चैलेंज है, एक बड़ा सा हाथ है उसमें बड़ी सी थाली है, उसमें आपको जिलेट का जो फोम है वो डालना है एंड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, थप्पड़ मारना है यहाँ पर। तो नेहा आती है, नेहा को पूछते हैं आपको कौन धोखा देगा, तो यहाँ बोलती है ये करण कुंद्रा जो है वो मुझे धोखा देगा, एंड कुंद्रा को थप्पड़ मारती है। फिर वो कोटियन को थप्पड़ मारती है कि बड़ी बड़ी बातें कुछ करता नहीं है। फिर विशाल जो कहता है रुक जा मैं तेरे को दिखाऊंगा, मेरी बारी आएगी ना तो 4 बार तेरे को नेहा थप्पड़ मारूंगा, समझ में आ गया। अब कुंद्रा जो है आके कहता है कि कौन सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करता है, निशान की यहां जल जाती है। तूने अपने दोस्त को निकाल दिया यहां से, तेरा 15 साल का दोस्त है, हाँ अंत को लगता है कि वो इतना भी हक नहीं रखता तेरे को इतना बोलने के लिए कि तू मैनिपुलेट करता है इस शो में। इसके लिए उसने ऐसी मूव बनाई यहाँ पर। भारती कहती देखो निशान कितना गुस्से में है। करण कुंद्रा को पूछते हैं कौन है वो शख्स जिसको तुम घर में ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो कुंद्रा वापस से निशान का नाम लेता है, उसके मुंह पर फिर से क्रीम लगाता है, निशान का मुंह सूज जाता है। हाँ कुंद्रा बोलता है ऑब्वियसली मैं इसका नाम लूंगा, इसने मेरा एकदम काट दिया है। निशान ऐसा करता है, ये जो बोलती क्या हुआ तो डोंट मेक इट ऑकवर्ड फॉर मी, मैं होता ना विभाग साल चल। वो एंड में क्या बोल रहा था निशान पता है? मेरा घर जाने का मन कर रहा है, मैं होता ना बोलता ए वैसे उठ घर जाएगा ना तू, जा घर से बाहर जा मैं तेरा पैक पैक करके देता हूँ। जब ये नाटक है सब, निशान तन कंपनी का नाटक है सर, दोगला आदमी जिंदगी में देखा नहीं मैं कभी जिंदगी में। हाँ यहाँ पर अब गाइस हु इज योर टारगेट, तो कुंद्रा प्रतीक को बुलाता है। हाँ अब निशान ओवर एक्टिंग कर रहा था, मुंह बना के बैठा हुआ था वहां पर। तेजू आती है,
सेल्फ ऑब्सेस्ड कौन है? तो राजीव को लेके आती, राजीव अपना खुद का मुंह डाल देता है फोम में। हाँ, चिड़ किस पे है? तो प्रतीक को बुलाती है। ब्रेनलेस कौन है? तो तेजा यहाँ पर नेहा को बुलाती है। अब गाइज प्रतीक आया, प्रतीक को पूछे यहाँ पर कि कुंद्रा, तो प्रतीक आगे क्या बोलना शुरू कर दिया पता है, कुंद्रा को बुला रहा हूँ। कुंद्रा बहुत वायलेंट है यहाँ पर, वो अग्रेसिव होता है, बल का प्रयोग करता है, वायलेंट है, बल का प्रयोग करता है। हाँ, उमर बोलता है अबे दूसरे की वजह से दिखता है तू, समझ में आ गया ना? उमर बोलता है ये फालतू के, प्रतीक ने उमर को बोला कि तू दूसरे के वजह से दिखता है यहाँ पर, तू खुद कुछ नहीं करता। तेजू को बोला वो काम नहीं करती। रियली प्रतीक सहजपाल एंड हिज फ्रेंड्स आई वांट टू जस्ट आस्क यू कि क्या तेजू काम नहीं करती? प्रतीक क्या हवा खाता है क्या बैठ के घर में? खाना खाता है ना, कौन मनाता है? और उमर कुंद्रा के वजह से दिखता है यहाँ पर। हाँ, उमर कहता है भैया फालतू की बकबक नहीं करता, समझ में आ गया ना? कौन ड्यूटी नहीं करता करता सबको पता है यहाँ पर। कुंद्रा कहता है प्रतीक को लगाने दो, अपने को लगाने दो। वो गरज निकाला था प्रतीक सहजपाल, सिर्फ तेजू उमर एंड कुंद्रा के मुंह पे लगा रहा था, अपने तो उसको नहीं दिख रहे थे। वही कुंद्रा यहाँ पे बोल रहा है एंड कुंद्रा बोलता है जब तू शीशा तोड़ रहा था ना, मैं ही वो कुंद्रा था जो तुझे रोक रहा था यहाँ पर, समझ में आ गया तू? हाँ, देखो जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले, बस तू एक ही चीज बोलता रहेगा कि बल का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। अरे खत्म कर दे ये सब, बल का प्रयोग, बल का प्रयोग। हाँ, क्या किया तो क्या, क्या करना है बोल, दोनों फेस टू फेस आते हैं यहाँ पर। हाँ, उमर भी चिल्लाता है, प्रतीक बोलता है तू निकल, तू निकल जाएगा। अच्छा हो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं तो निकल जाता है यहाँ पर। कुंद्रा बोलता है अबे प्रतीक सहजपाल तू एक नंबर का फ्रस्ट्रेटेड है, समझ गया ना, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है तू। प्रतीक बोलता है कुंद्रा व्हाट द फक इज द लैंग्वेज, व्हाट द फक है। कुंद्रा बोलता है अबे तू एक नंबर का फ्रस्ट्रेटेड है, तेरी शक्ल देख कितना फ्रस्ट्रेटेड है तू। कोटियन बोलता है गेस्ट आए हैं। रियली विशाल कोटियन, तुम बोल रहे हो गेस्ट आए हैं? तुमने हिना खान के साथ जो हरकत की थी तब तुमको दिखा नहीं गेस्ट आए थे यहाँ पर? हाँ, कहते गेस्ट आए हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रतीक कहते गाली मत देना, गाली मत देना, गाली मत देना। कुंद्रा बोलता है जा, दिया जो करना है कर, दिया गाली। हाँ, निशा जाके उसको बचा के लेके आता है। भारती इसमें बीच में क्या बोल रहे हैं, मारो मारो एक दूसरे को मारो। उसका पति बोलता है चुप रहे, एंड मैटर सीरियस हो गया था, धक्कम दुक्की होने वाली थी। वो जो ग्लास का शेल्फ लगाया था ना, भारतीय भारती के पति के लिए कुछ भी होता तोड़ फोड़ के अंदर चले जाते। एंड भारतीय भारती का पति जो है वो इतने डरपोक निकले कि उठ के भागी गए सीधा घर से बाहर। हम लोग बाहर जा रहे, हम लोग बाहर जा रहे। बाहर जाए क्या बोल रहे पता है, हमको डर लग रहा था कि कभी कांच टूट गया तो हम लोग ये हो जाएगी। हाँ, अब यार करण सीधा मुंह के सामने गया, बोलता चल बोल के दिखा क्या बोलना तेरे को फेस टू फेस। प्रतीक कुंद्रा बोल रहा है बोलना, मैं सामने खड़ा हूं तेरे, बोलना, क्यों नहीं बोल रहा है अभी तू यहाँ पर? कुंद्रा जो है प्रतीक को एकदम कोने में आके खड़ा कर दिया, एकदम पीछे कांच है, कहीं जा ही नहीं पाएगा, मुंह के सामने खड़ा हो गया। बोलना क्या करेगा तू, क्या करेगा प्रतीक? तब तो कुछ बोल नहीं पाया, जैसे कुंद्रा गया तू तो और बोलना शुरू कर रहा, हटो हटो मुझे हटो, दिखाना दो। अरे ये सब है ना स्कूल में बच्चे लोग करते, प्रतीक सहजपाल तुम्हारा गेम पूरी तरह से दिख गया लोगों को, यू माइट बी एंटरटेनिंग इन द हाउस। हाँ, लेकिन ऑल दिस थिंग्स ये सब बचकानी हरकतें हो गई है यहाँ पर, समझ में आ गया? हाँ, कुंद्रा बोलता है मर्द तो आ जाना, आके दिखा ना यहाँ पर। हाँ, एकदम यहाँ पे सामने खड़ा था तो कुछ भी नहीं किया। कुंद्रा बोलता है तेरे सामने खड़ा था ना तब तो कुछ भी नहीं किया, अब मेरे जाने के बाद राजीव को धक्का मार रहा है, बोलता है क्या कर लेगा तू? हाँ, मैं क्या पागल हूँ, क्या सही है क्या नहीं है? हाँ, अब गए वो लोग बेचारे दोनों चले जाते हैं। कुंद्रा ने यार प्रतीक द बुली को एकदम साइलेंट कर दिया। शम्मू बोलती है डोंट मिसबिहेव यार, शम्मू ने यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया ये। शमिता को तुम लोग बहुत मानते हो ना, मालकिन है ना घर की, शमिता ने बोला यहाँ पे प्रतीक तूने स्टार्ट किया ये सब। कुंद्रा कहता है तेरे सामने हूँ, करना कुछ प्रतीक, तेरी टट्टी निकल गई क्या? तेरे सामने खड़ा हो तो कुछ भी नहीं बोला। कुंद्रा बोलता है हाँ क्या बोला तू? प्रतीक बोलता हाथ में लगा, हाथ में लगा। कुंद्रा बोलता चल लगा है हाथ, क्या करे प्रतीक। कुंद्रा उसको मुंह पे दो बार छुआ यहाँ पे प्रतीक को, प्रतीक के एकदम मुंह में छाले आ गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बैठ के यहाँ पे, मजा आ रहा था देख के। कुंद्रा ने जो उसकी वाट लगाई है ना, छोटा बच्चे कर रहा था बैठ के सीरियसली यहाँ पर। कुंद्रा बोलता तेरी गान में दम नहीं है साले। हाँ क्या, और उसमें जय फोकट फोकट चूतिया हुआ कर रहा है आके। हाँ जय बोलता है मेरा नाम क्यों लिया, मेरे मुंह पे क्यों क्रीम लगाया? अबे चलना भाई, तेरा कोई काम ही नहीं है इधर। हाँ, और तेजू और उससे झगड़ रहा था, किससे जाके? उमर से झगड़ रहा था। मैं होता ना मैं बोलता हाँ चल किया तेरे को, चल निकल, पहली फुर्सत में निकला। उसको कुछ गेम ही नहीं है इस घर में,
फालतू गिरी है, कुंद्रा ने सही बोला, प्रतीक इंस्टिगेट करता है तो मैं भी इंस्टिगेट कर दिया हूँ। हाँ कुंद्रा बोलता है मैं उसको नहीं मारा हूँ, नहीं मारा हूँ यार, रोज बोलता है बल का प्रयोग सटक गई मेरी। निशांत बोलता है आई वांट टू गो होम, मैं तो बोलता चल निकल यहाँ से। अब प्रतीक यहाँ पर ऑलमोस्ट रोने जैसा था। तेजू बोलती है प्रतीक जो तूने आज किया वो सही किया, मेरे से बात मत करो, मेरे से बात मत करो। हाँ तेजू बोलती है जो तूने क्या सही किया, जो तूने क्या सही किया, जो लोगों को इंस्टिगेट करता है, लोगों के पीछे पड़ता है, उसको इतना दौड़ाई 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 कोने में जाके सिगरेट रूम में खड़ी कर दी। तो प्रतीक अंदर चला गया सिगरेट पीने के लिए। तेजू बोलती देखा कैसा लगता है, देखा कैसा लगता है तू इंस्टिगेट करता है ना। प्रतीक बोलता है मेरी माँ के बारे में बोला, मैं जिंदा कैसे बच गया यहाँ पर तेरे भाई। प्रतीक क्या बोला, जिंदा कैसे छोड़ दिया, तेरे सामने खड़ा था ना तभी, क्यों कुछ नहीं किया, क्यों कुछ नहीं किया तुमने। हाँ इसके चक्कर में वो जीशान लड़का घर से बाहर निकल गया था। ये सुप्लेक्स सुप्लेक्स खाया है, इतनी हरकत है, मुंह बोलेगा ये तो यही होगा ना यहाँ पर। हाँ प्रतीक का मुंह एकदम बंद हो गया। फिर जर्नलिस्ट आते हैं, जर्नलिस्ट नंबर वन नवीन फ्रॉम E24 कहते हैं तेजरन फेक लग रहे हैं। हाँ आप लोग जो भी कर रहे हो बाहर के लोग फेक बोल रहे, तो ये जो हैशटैग्स चलते हैं तेजरन उमर, अरे क्या बोलते कुंद्रा, कुंद्रा बॉस, ये सब ये पागल लोग हैं ना मतलब। कुंद्रा कहता है फेक नहीं है ये अट्रैक्शन है। फिर लोग उतर नहीं, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है ना, आप बाहर देख कर आए हैं लोगों का पहले से सीजन में, मतलब स्ट्रैटेजी क्या है। हाँ जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन है। तेजू बोलती मैं पहले से ऐसे ही हूँ, मैं पिछले शोज में भी किसी के साथ ऐसा लव अफेयर वफेयर नहीं किया है, क्लीशे नहीं अच्छा लगता है मेरे को, मैं हमेशा अवेयर रही हूँ ऐसी चीजों से। मैं काफी वो पूछती है आप इमेज कॉन्शियस हैं, तो बोलती मैं इमेज कॉन्शियस जरा भी नहीं हूँ, समझ में आ गया। फिर आती है भावना फ्रॉम बॉलीवुड बबल, वो शमिता के पास आती है और भी यहाँ पर कहती है कि तुमको पता है तुम्हारा अन्ना क्या क्या बोलता है तुम्हारे बारे में। शमिता बोलती है मुझे पता है कि अन्ना के बारे में सब बोलते हैं ऐसा, मुझे बैक स्टैप नहीं करेगा लेकिन वो आई लाइक हर अ लॉट यू नो। इतना बोलने के बाद आई थिंक उसका नाम है क्विंट से कोई लड़की आई थी छोटे बाल वाली, वो कहती है कि तुमने यहाँ पे क्या बोला पता है कोटियन, कि शमिता ने बहुत बड़ा हाथ मारा है यहाँ पे। शमिता का मुंह खुला खुला रह गया। ऑब्वियसली अभी शमिता कमिंग फ्रॉम वेरी पॉश बैकग्राउंड, उसको सुनने मिल जा रहे तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा, तो क्या मैं तो बोलता, तो बोलते क्या गलत बोला। हाँ तू शेट्टी परिवार की हो और राकेश बेचारा, राकेश भी अच्छे परिवार का है, तो ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि अंगूर को अंगूर मिल गया, कहावत है नॉर्मल है यार, बोल दिया हाँ चलो क्या हाथ मारा, मजाक में बोला उसने। कोटियन बोलता अरे मैं रोस्ट कर रहा था खाली। शम्मू बोलते इट्स नॉट नाइस। जर्नलिस्ट बोलती नॉट नाइस। कोटियन उन बोलता है मैं यहाँ से आता हूँ ना ऐसा लैंग्वेज बोलते है ठीक लगता है यहाँ पर। हाँ लेकिन वो जर्नलिस्ट बहुत फायरी थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो बॉलीवुड भी कवर करती है। फिर सना आती है इंडियन एक्सप्रेस से, कुंद्रा ने आपको उमर गधा बोला और प्रतीक और निशान की कोई औकात नहीं है। ये बोल दी उसने मुंह पे। प्रतीक बोलता अच्छा हमारी औकात नहीं है निशान, वाइब्स वाइब्स वाइब्स। कुंद्रा कहता है वो मेरा ब्रो है उमर, मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ हमारा रिश्ता ही ऐसी है। और जहाँ तक औकात की बात आई है, वो एक लड़की को रुला रहा था जो मेरे काफी करीब है, तो उस टाइम फ्लो में जो भी निकला वो मैंने बोल दिया। तो प्रतीक और निशान फुल चढ़ जाते हैं कुंद्रा के ऊपर कि कैसा तुमने बोल दिया ये वो। जर्नलिस्ट उमर को पूछती, उमर को पहले काटा यहाँ पे, उसके ऊपर नमक लगा रही है, तुमको गधा बोला कैसा लग रहा है। उमर ने सही बोला, उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग हर्ट, मैं इनके बारे में कभी पीठ पीछे बोलता नहीं, आई एम नॉट फीलिंग गुड। TV9 से जर्नलिस्ट आती है एंड कहती है प्रतीक एंड निशान, उस दिन किचन में लफड़ा होता ना तेजू रो रही थी, प्रतीक एंड निशान उस दिन जरा भी रूड नहीं थे। तेजू तुम रूड हो, तुम लोगों के साथ रूड हो। मेरे को लगता है ये कोई तेजू की पुरानी दुश्मनी है इस लड़की के साथ, बोले तुम रूड हो, तुम दूसरों के साथ रूड होते हो, समझ में आ गया। तेजू बोलती है प्रतीक एंड निशान मुझे बात करने दो, क्या आप लोग ही बात करोगे यहाँ पर, क्यों टांग अड़ा रहे मेरे मुद्दे में। हाँ वो जर्नलिस्ट थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, वो ये प्रूफ करने पे अमादा थी कि तेजू बदतमीज है, तेजू लोगों के साथ बदतमीजी करती है। हाँ प्रतीक कहता है देखो जो जर्नलिस्ट कहती भी है, उस दिन टास्क में तेजू ने भी कंचे है ना वो छुपाए थे। प्रतीक बोलता देखो चीटर कपल। कुंद्रा बोलता चल। हाँ प्रतीक कहता है इसको बादाम खिलाओ, तेजू को बादाम खिलाओ, उसकी याददाश्त कमजोर है। उस डायलॉग पे जर्नलिस्ट लोग हंस रहे थे। तेजू बोलती है ऐसे ही कमेंट्स पे
आप लोग जब हंसते हो ना तो इन जैसे लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है, एंड वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था, वीकेंड का हमार अपने को क्या करना है, अपने को एंटरटेनमेंट लेना है। बिग बॉस इज फॉर एंटरटेनमेंट, वॉच इट, फॉरगेट इट एंड एंजॉय एंड डू व्हाट एवर यू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। ओके, मैं मनसाई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, एंड देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।